समय का चक्कर चढ़ा सी इस पे गुरु गोरख जी डाटा था और मौसी के दर्शन करण कई खातर पूरण बनाया था। अंधन के भंडार भरे कोई ना धन का घाटा था और साल कोट में सूर्य ग्रहण पड़ा जब पूरण बल काटा था। सिद्ध समय पर सली बांधने दे बैठी की कुर्बानी और समय पे प्यारा दोहरा दर्जा समय पे दर्जा वाणी कि 12 साल बाद में गुरु गोरखनाथ जी का आना हो जाता है। आदेश या पानी का कि बच्चों पानी का इच्छा आवे शिष्य अच्छा बाबा तो कुएं में देखते एक लाश पड़ी हुई है उसको निकाल लेते हैं और गुरु गोरखनाथ महाराज जी उसको अपनी योग माया से सजनों जीवित कर देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं और पूछते हैं कि तू कौन है कहाँ का रहने वाला कि बाबा मैं तो ऐसे ऐसे शालकोट का रहने वाला हूँ। तो कि बेटे कोई नहीं जो हो गया सो हो गया तो अपने घर चला जाओ उल्टा कि नहीं बाबा अब तो मैं आपकी सेवा करूंगा। कि अच्छा तो गुरु गोरखनाथ जी क्या सवाल करते हैं और जवाब देते हैं हर बात का पूर्ण मन क्या कहते हैं ऐसे मैं भजन करूं और गुरु की सेवा मन और कोई ही लाला चाहिए रोजा पूरण मल घर अपने बाप का के लाला चाहिए भजन करूं और गुरु मास्टर जी रविंद्र जी और हमारे महाराज जी श्री श्री 108 योगी बाबा सतपाल नाथ महाराज जी के वहां गए थे गौशाला महाराज जी की और बड़े अच्छे देवता वृत्ति के साधु जिनको साधु कहते हैं भाव करते हैं साधु का बोलिए भेग भगवान की। और मेरे चेला ये अरुण गिर है बहुत बढ़िया 500 रुपए से सम्मान और 500 रुपए से राजू नाथ जी 200 रुपए से छठगिरी महाराज इसी बस्ती के धन्यवाद सबका धन्यवाद धन्यवाद क्या लिखा हुँ।
सियालकोट नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा और फकीरी लेऊंगा और 500 रुपए से होमी महाशय जी ठेकेदार सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। न्यू लिखा भाई कैसे, धन्यवाद भाई, जय हो भाई।